पुतिन बेलारूस में सिर्फ न्यूक्लियर वेपन तैनात करने नहीं जा रहे हैं, वो बेलारूस में 10 घातक वॉर प्लेन भी डिप्लॉय करने जा रहे हैं। पुतिन ने ऑफिशियल ऐलान कर दिया है, ये वो फाइटर जेट हैं जो परमाणु हमला करने में माहिर हैं। सवाल यही है कि आखिर पुतिन ने ये न्यूक्लियर ऑर्डर क्यों दिया? क्रेमलिन के इस फैसले से वॉशिंगटन क्यों परेशान है? क्या पुतिन यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका पर भी एटमी वॉर करने वाले हैं? हर सवाल का जवाब हमारी इस वॉर रिपोर्ट में है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। पुतिन और लुकाशेंको में सबसे विध्वंसक डील हो गई है। ये सर्वनाश का समझौता है, ये न्यूक्लियर कोहराम का करार है। इसी मसौदे के तहत पुतिन ने तो खतरनाक ऐलान किया। पहला बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती, दूसरा बेलारूस में परमाणु लड़ाकू विमानों का डिप्लॉयमेंट। रूस और बेलारूस का ये वो फैसला है जिससे न सिर्फ यूक्रेन बल्कि अमेरिका और नाटो दहशत में है। बाइडेन को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि पुतिन के विनाशक कदम को रोके तो कैसे रोके। पुतिन एक तो नहीं बल्कि 10 विध्वंसक एयरक्राफ्ट बेलारूस भेजने जा रहे हैं। ये वो लड़ाकू विमान है जो एटमी मिसाइलों से लैस हैं। वो जेट हैं जो कुछ ही मिनटों में सब कुछ तबाह कर सकते हैं, यूक्रेन समेत पूरे यूरोप को बियाबान बना सकते हैं। सवाल यह है कि आखिर बेलारूस में पुतिन ने अपना एटमी एयरक्राफ्ट भेजने का फैसला क्यों किया? आखिर इसके पीछे मॉस्को का मकसद क्या है? असल में ये पुतिन की वॉर स्ट्रेटजी है, वो एक तीर से एक साथ कई निशाने लगा रही है। रूस से यूक्रेन पर बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं। क्रेमलिन न सिर्फ इसका प्लान बना चुका है बल्कि अटैक की पूरी तैयारी हो चुकी है। बेलारूस में न्यूक्लियर तैनाती भी इसी बात का ऐलान कर रहा है कि रूस युद्ध का मैदान बदलने वाला है, यूक्रेन पर बेलारूस की तरफ से स्ट्राइक करने वाला है। पुतिन जल्द से जल्द यूक्रेन की राजधानी कीव और लवीव पर कब्जा जमाना चाहते हैं। पुतिन के कब्जा प्लान का आगाज बेलारूस फ्रंट से ही होगा। जिस भी दिन रूस कीव पर कब्जा कर पाएगा उसी दिन युद्ध खत्म हो जाएगा। पुतिन जीत जाएंगे, ज़ेलेंस्की हार जाएंगे। पुतिन अपने इसी प्लान के तहत आगे बढ़ रहे हैं। पोलैंड और रोमानिया के रूट से यूक्रेनी सेना को लगातार वेपन सप्लाई हो रहे हैं। बेलारूस की तरफ से हमला कर पुतिन इस सप्लाई रूट को काटने वाले हैं। रूसी इंटेलिजेंस एजेंसियों को इनपुट मिला है कि रूसी फौज जैसे यूक्रेन पर सबसे बड़ा प्रहार करेगी, अमेरिका और नाटो रूस के खिलाफ एटमी युद्ध छेड़ देंगे। We'll be right back.
नाटो खतरे से निपटने के लिए पुतिन बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन वॉर रेडी कर रहे हैं। दरअसल यूरोप के कई देशों में अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। युद्ध की स्थिति में अमेरिका इन्हीं हथियारों से रूस पर धावा बोलेगा। ये बात पुतिन को पता है, इसलिए उन्होंने बेलारूस में एटम तैनात करने का ऐलान कर दिया है। जाहिर है अगर अमेरिका या नाटो रूस के खिलाफ जंग छेड़ने की हिमाकत करेंगे तो पुतिन बिना देर किए विनाश का बटन दबा देंगे। सबसे पहले अमेरिका के उन एटमी हथियारों को खत्म करेंगे जो उसने यूरोप में तैनात कर रखे हैं। इसके बाद क्रेमलिन से यूक्रेन और अमेरिका को तबाह करने का खतरनाक फरमान जारी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9, भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं।